गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। नए दिन और नए शुरुआत के साथ में आज हो रहा है। अभी टाइम जो है 10:30 हो रहा है और आज जो डेट है वो 5 जनवरी हो रही है। और मैं जा रहा हूँ थोड़ा, एक यहाँ पे सिटी है एटर्नल सिटी के नाम से, थोड़ी सी आउट ऑफ समरकंद की सिटी के बाहर है, सो वो जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। वो एक्चुअली पूरी मैन मेड सिटी है, जो यहाँ का लोकल आर्किटेक्चर है जिसके लिए फेमस है समरकंद, उसी के बेसिस पे उसको पूरा बनाया गया है फॉर टूरिज्म। सो चलते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद फिर कहीं आसपास में जाएंगे, देखेंगे कहाँ और कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जो मेन थे वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर। बाकी शाम को मैंने जो बुलेट ट्रेन है अफ्रोशिया वो बुक की है, 9:30 बजे की है। और एक और अपडेट देना चाहूँगा, मेक श्योर कभी भी आप समरकंद में आते हो ना, तो जो यहाँ के टाइमिंग्स हैं बसेस वगैरह की, वो आपको 8:30 बजे से बंद होना शुरू हो जाती हैं सिटी में चलने के लिए। तो कहीं भी आना जाना हो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस यूज़ करके, मेक श्योर कि आप 8:30 बजे से पहले पहले कर लें। ऑलमोस्ट आने वाला हूँ मैं, और कुछ आसपास का नज़ारा देख लें। आ गया है और सामने ही सारी जो कॉलोनी बसी हुई है, बनाई गई है, वो आ गई है। चलते हैं बस उतर के, आज पास का ये दिखाता हूँ। वैसे ये सिटी जो है ना बहुत आउटस्कर्ट में बसी हुई है समरकंद के। ये स्कूटर्स वहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप इनको स्कैन करो, एक्टिवेट करो और लेके निकल जाओ, क्योंकि ये सिटी जो है ना बहुत बड़ी है। तो जा रहा हूँ सिटी की तरफ, देखता हूँ अभी आगे अंदर और। सो देखते हैं अभी, देखो कितना ओपन सा है, मतलब इतनी ज़मीन खाली है, लोग यहाँ पर साइकिलिंग वगैरह भी कर रहे हैं, छोटी सी गो कार्ट भी है। तो मैं उधर दूर से कहीं से चलते हुए आ रहा हूँ और यहाँ सामने जाना है। सामने आपको जी ये गुंबद और टॉम्ब दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, अफ्रोशियाब। ये एक्चुअली एक जगह का नाम है जिसे नॉर्दर्न समरकंद बोला जाता था एंशियंट टाइम में। सो जो नॉर्दर्न पार्ट था समरकंद का उसे अफ्रोशियाब बोला जाता था, और अभी जो आज का समय है इसे उज्बेकिस्तान बोला जाता है। सो ये है अफ्रोशियाब एक्चुअल में पूरा उज्बेकिस्तान, जिसे 500 BC से 1200 AD प्रायर टू द मंगोल इन्वेजन इन 13th century ये जो था नॉर्दर्न समरकंद था पूरा एरिया, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान बोला जाता है, और ये पहले रेगिस्तान था। सो उज्बेक और रेगिस्तान को मिला के इन लोगों ने जो नाम दिया वो बना उज्बेकिस्तान। ऑलमोस्ट आ गया हूँ मैं, पास में ही हूँ, देख लो सिटी कुछ ऐसी है भाई। वो कुछ समझ में नहीं आया किस चीज़ का क्या था, पता नहीं चला, तो कुछ ये ऐसा है। देखो भाई पूरा ये उस एंड से शुरू हो जाती है पूरी। देखो उधर से मैं उस डायरेक्शन से आया हूँ, ये रहा एंट्री पॉइंट, अब यहाँ से प्रॉपर सिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, देखो अभी गंदगी पड़ी है यहाँ पूरे पानी में, सफाई नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है इसलिए। वैसे वो मशीन वहाँ पे सामने देख रहे हो, सफाई के लिए ही मशीन है। हेलो, अब बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है भाई इन लोगों के पास, इतना सारा स्पेस पड़ा हुआ है। छोटे छोटे स्टॉल्स हैं खाने पीने के लिए, बाकी वो रही मेन जो सिटी है उसका दीदार कराने के लिए। एंट्री वगैरह कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, तो सब कुछ ऐसा है। देखो ये टोटली मैन मेड है। ये स्पेशली बनाया गया है टूरिज्म के लिए। वो कोलोजियम की तरह नहीं लग रहा है जो स्टेज हुआ करते थे जहाँ पे फाइट्स वगैरह होती थी, कुछ वैसा बना रखा है, मतलब उसे मिलता जुलता कुछ। वाटर व्हील ये जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था, कुछ स्टेज शोज वगैरह के लिए है यहाँ पे एज अ स्टेज बनाया गया है। तो
कुछ ये है सिटी, देखो पूरी ऐसे दिखती है। तो ये है इसकी एंट्री, देखो जो बना हुआ है, और चिकिश जहाँ पे चिकिश लिखा होगा मतलब वो एंट्री होता है, तो चिकिश में आप एंटर कर सकते हो इसकी। गजब, पहले की घोड़ा गाड़ी कुछ ऐसी है, वो बैठने के लिए होता था। बहुत सारी चीज़ों को ढक रखा है, पता नहीं क्या है, देखने के लिए कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर देखने के लिए, स्पाइसेस, ये पहले के टाइम के तराजू। खरीदना हो तो मैं भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे भी। सेंटर में अच्छा लग रहा है, लाइटनिंग भी अच्छी कर रखी है। ये फाउंटेन्स पहले के छोटे छोटे हुआ करते थे, कैफे टाइप में बना रखा है पूरा, ये सिर्फ बेचने उचने के लिए पूरा बना रखा है यहाँ पे, खाने पीने के लिए और बेचने के लिए। चलते हैं बाहर, बाहर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो जो एंट्री पॉइंट था उससे अदर पॉइंट में एग्जिट करने पे ना कुछ ऐसा मिलेगा। चोरसू बाजार का यहाँ पे ना पूरा उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है। जगह जगह पे शॉप्स है, बस इट्स अ काइंड ऑफ ना रेप्लिकेट किया हुआ है समरकंद की ओल्ड सिटीज़ को, कैसे हुआ करती थी पहले मॉडर्न वे में। तो ये चोरसू बाज़ार है, पूरा गोल गुंबद के नीचे वैसा बनाया हुआ बाज़ार। तो मैंने उस जगह से एंट्री ली थी वहाँ ब्रिज क्रॉस करते हुए, और ये थोड़ा सा एक छोटा सा चौराहा आप कह लो, और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर ब्रेड्स मिलते हैं, आपको ब्रेड अगर लेना हो तो ब्रेड ले सकते हो। एक एक पार्ट ऐसे में ना बटा हुआ है, ओके, जैसे कि ये पिलर के साथ में है। सारी जगहों को एज ए रेस्टोरेंट में ही कन्वर्ट किया गया है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, बस यही सब है। देखो सारे गलियां बनी हुई हैं ऐसे। चीज़ों को बस रेप्लिकेट किया है, और एक बस नया टूरिज्म के लिए जुगाड़ तैयार किया गया है। कुछ ऐसा है यह शहर, दोनों शहर को पानी के बीच से मतलब पानी के बीच में रखा गया है। ये एग्ज़िट है और यहाँ पे शहर का नाम लिखा हुआ है, बोकी शहर। चलते हैं, बस यही था एटर्निटी सिटी का, आसपास में कुछ और देखते हैं। तो भाई उस सिटी से तो आ चुके हैं बाहर, अभी जा रहे हैं दोबारा से रेगिस्तान स्क्वायर पे, डे में आपको दिखा देंगे कैसा है कैसा नहीं है। एंड चलते हैं, अभी सामने ही है, मैं उतर गया हूँ बस स्टैंड से। बाकी आप मैक्सिमम दो दिन यहाँ रुकें, दो दिन से ऊपर अगर आप रुकेंगे तो, स्पेशली अगर आप कुछ देखने आ रहे हैं तो दो दिन में आप सब कुछ देख लोगे जो देखने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं। और अगर आपको नॉर्मल अगर आप ट्रैवलर हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक दिन काफ़ी है, एक दिन इन द सेंस आपके पास में पूरा डे कंप्लीट होना चाहिए जब आप फ्रेश माइंड से उठो, ताकि आप चीज़ें प्रॉपरली देख पाओ। एक दिन में इजीली आप कवर कर लोगे, बसेस अवेलेबल हैं इधर से उधर जाने के लिए, और उसके बाद आप यहाँ से निकल जाओ बुखारा। बुखारा में भी जो मैंने मैप में चीज़ें देखी हैं वो भी मैक्सिमम दो दिन ही का है, उसके अलावा नहीं है, एक से दो दिन में आराम से आप देख लोगे। सो ये कबूतर देखो यहाँ पर कुछ लगे,
मेरे को ना पूरे समरकंद में अभी तक एक भी कॉफ़ी नहीं मिली है प्रॉपर, कोई नॉन ब्रांड हो कोई भी नहीं है, सब यहाँ पर डोमेस्टिक यूज़ का है। चेक करते हैं यार कॉफ़ी है कि नहीं है, कॉफ़ी होगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है देखो कैफे, अब पीछे जो है अभी चलता हूँ तो डे का भी दिखाता हूँ। बहुत देर बाद मैं कहीं पर आके अभी बैठा हूँ, एक छोटा सा कैफ़े है जिसके सामने वही देखो रेगिस्तान स्क्वायर का जस्ट सामने ही एक छोटा सा कैफ़े है। कॉफ़ी ढूंढ रहा था कैपेचिनो बहुत दिन से, नहीं मिल रही थी मुझे। कजाकिस्तान वगैरह में तो बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं अवेलेबल है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कोई भी आपको नॉन ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, ना ही क्लोदिंग में ना ही फूड में। उसी तरीके से कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी चेन भी यहाँ पर ज़्यादातर है नहीं, सारा कुछ डोमेस्टिक है। थोड़ी देर बैठूंगा फोटोज़ खींचूंगा उसके बाद से निकल जाऊँगा कुछ और देखने के लिए, अदरवाइज सीधे हॉस्टल बैग उठाऊँगा भागूंगा रेलवे स्टेशन खारा जाऊँगा। आज रात की मेरी ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन है, फास्ट जो है यहाँ की है 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे में मुझे बुखारा पहुंचा देगी। बुखारा से मैं ताशकंद के लिए ट्रेन लूँगा, जिस स्टेशन पर मुझे उतरना है वहीं से मैं चेक कर लूँगा ट्रेन की अवेलेबिलिटी। और वीकली चलती है ताजिकिस्तान के लिए ट्रेन यहाँ उज़्बेकिस्तान से। मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कैसे ट्रैवल कर पा रहा हूँ बीच बीच में, ये बहुत से लोगों का सपना भी है ट्रैवल करना,